यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया है। लखनऊ में व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा ज्येष्ठ माह की चतुर्थ मंगलवार को दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर यहाँ भव्य तरीके से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। आने वाले उपचुनाव को लेकर भी मंत्री से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, जिसमें मंत्री जी ने बताया है कि आगे भाजपा की जीत होने वाली है। जी हैं कपिल देव अग्रवाल सर, जिस तरह से आज आयोजन हो रहा है, विशाल भंडारा आज आयोजन हो रहा, किस तरह का ये आयोजन है लखनऊ में, क्या संदेश देंगे सर? देखिए, आज बड़ा मंगल है, चौथा मंगल है और आज ईश्वरी कृपा ये है कि आज एकादशी भी है, निजला एकादशी है, तो निश्चित रूप से आज का दिन पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। हमको भी सौभाग्य मिला कि हनुमान जी एक शानदार भंडारा यहाँ पर आयोजित हो रहा है और बहुत सारे लोग इस भंडारे में सम्मिलित हो रहे हैं। हमको भी सौभाग्य मिला हनुमान जी की सेवा करने का और मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सारे हिंदुस्तान पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। अब ये हनुमान जी की कृपा के साथ सर, एक प्रश्न, हनुमान जी की कृपा के साथ अब जो है उपचुनाव भी आ रहा है, तो सर क्या हनुमान जी की कृपा रहेगी इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम थोड़ा सा चुनाव परिणाम महामारी उत्तर पक्ष में नहीं आए, पर जनता ने हमको पूरा भरपूर प्यार किया। हम चुनाव हारे हैं, दिलों से नहीं हारे, जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है। आने वाले उपचुनाव उनमें और जबरदस्त तैयारी के साथ, पराक्रम परिश्रम के साथ हम सब लोग काम करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमको भरोसा। बिल्कुल, तो हमारे साथ मंत्री जी थे और उपचुनाव को लेकर कह रहे हैं कि आने वाले समय में उपचुनाव भी जीतेंगे और आज भंडारा जिस तरह से हो रहा है, विशाल भंडारा हो रहा है, ऐसे में पूरे लखनऊ की जनता यहाँ पर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखाइए, देखिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अभी भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर भंडारा में सभी तरह के जो है यहाँ पे जो है आप देखेंगे प्रसाद का आयोजन किया गया है, बुनिया है और ये सब्जी है, पूरी है तमाम, और यहाँ पे और भी हमारे साथ देखिए मंत्रीगण वहाँ पे मौजूद हैं जो कि खाना खा रहे हैं और जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर जिस तरह से आज देखा जा रहा है, पूरे भव्य तरीके से मंदिर यहाँ पे मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है पीछे, उसी के पीछे आज जोरकार में, तो उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जीत जरूर जो है भाजपा की होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जन टीवी के लिए। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर।